नमस्कार, प्राइम न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नेहा दुबे। खबर शिरोमणि अकाली दल की तरफ से है। आज पंजाब बंद को दिया गया है समर्थन। शिरोमणि अकाली दल की तरफ से अमृतसर जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे जाम कर ऑर्डिनेंस के खिलाफ किसानों के हक में रोष प्रदर्शन किया। इस मौके पर शिरोमणि अकाली दल के सचिव गुर इकबाल सिंह महल ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल ने किसानों के हक में फैसला लेते हुए ऑर्डिनेंस का विरोध किया है और जब तक भाजपा अपने इस फैसले को वापस नहीं लेती तब तक हमारा भाजपा से कोई समझौता नहीं हो सकता। उनका कहना था कि शिरोमणि अकाली दल हमेशा किसानों के साथ खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। वहीं उन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंस संसद में आ पाए इसके लिए पार्टी अध्यक्ष सुखबीर बादल ने पूरी कोशिश की थी और जब भाजपा ऑर्डिनेंस को लाने के लिए पूरी तरह बाजी दिखाई दी तो बीबा हरसित मरत कौर बादल ने रोष जाहिर करते हुए केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं उनका कहना था कि ऑर्डिनेंस को लेकर शिरोमणि अकाली दल किसानों के साथ खड़ा है और जब तक ऑर्डिनेंस वापस नहीं लिए जाते तब तक किसानों के हर संघर्ष में किसानों की हर मदद करने के लिए तैयार रहेगा। प्राइम न्यूज 24 के लिए जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। किसान दुखिया किसान ने बहुत बड़ा धक्का किया मोदी सरकार ने ते पंजाब ने धक्का किया सारे सूबे ने किया तो ये जी गल बहुत माड़ी है। तो लोगों के राह इन्हें जिंदगी लोगों दिन खराब की आने वाले जी सा पीढ़ियां ने उन्होंने जिंदगी ने खराब करती जट करूँ की जट दे सिर तो सारी गल पंजाब की तो हिंदुस्तान की जट कणक पैदा करता जट झोना पैदा करता जट गन्ना पैदा करता पर जट के पल ही इन्हें कख नहीं रहन दिता। जदों मंडिया गई तो सब कुछ ही गया। जदों ये दो साल जां साल सानूं चंगा भाव दे दूगा मुड़के बड़े बड़े अबानी वर्गे आ जाने उन्हें सब कुछ ही हूँ। पहला ना मकई का भाव 1500-1800 रुपया बढ़िया ही तो हूँ 800 रुपये से विकती है। नरमे का भाव 5500 रुपया ही तो हूँ 3400 नूं मिलिया कल बठिंडा मंडी। तो बेड़ा गर्क ने करके रखता मोदी ने बहुत माड़ी गल है। जे जट अज कट्ठे ना हो जिस तरह हूँ होए जे इस तरह कट्ठे रहे तो अं फतेह करांगे फतेह करके आवेंगे तो ये वेला कभी हाथ आता नहीं गा। वेला सामभ लीए मैं अपने किसान वीरां नूं ये गल कहूँगा। सरदार सुखबीर सिंह बादल ने कल ये गल आखी आ भी जिते जिते अकाली दल का वर्कर आ जिते जिते साडे जट सिख भरा बैठे ने परिवार बैठे मजदूर बैठे ने जिन्ने भी भावें कोई ईसाई आ भावें कोई जट वा भावें कोई मुसलमान आ भावें कोई हिंदू भी वाही करते हैं कोल वा हिंदू भी गए जिन्हां दीआं आड़तां ने दुकानां भी गई क्योंकि जो चीज़ आनी आ वो जट कोलों ही आनी आ जे जट दे पैसे फिर बाजारां च जाणे आ। तो बेड़ा गर्क करके रखता मोदी ने तो अं सारे जिन्हें आप इतने आए हाँ सारे दुख के बजे आए हैं तो वेला सामभ लीए तगड़े हो गए यहाँ मुकाबला करिए। अज रह के रहे जी जो तुम पिछले दो महीने तो वेख रहे हो किसानों के खिलाफ ऑर्डिनेंस जारी किए भारत सरकार पहले बनाए सी हुण पास करते हैं जबरदस्ती जो जिन्होंने हक च किए जो वो ही राजी नहीं तो इन्होंने बनाने की लड़ भी की जिन्हों तक किसान जथेबंद ने कहा हूँ साढ़े प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल ने दिशा निर्देश दिए श्रोमणी अकाली दल किसानों की पार्टी है तो हमेशा किसानों ने लड़ी है जो भी कुर्बानी करनी पेगी आप करेंगे। अब तुम प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ कर रहे हो जी सांझी पार्टी सांझी पार्टी सी ना जो तक वो किसानों के मुद्दे मानती है जो किसानों के मुद्दे नहीं मानते हम सांझी कदी रह गई हूँ सांझी पार्टी नहीं है क्या अगर आने वाले इलेक्शन लड़े जाएंगे ये साढ़े हाईकमान का दे जे तो किसानों की मंगा सारिया मान लेगी तो फिर ना लड़े जाएंगे। बड़ी देर बाद हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दिता पहले उन्होंने मीटिंग बहते रहे कोई गल नहीं। सवाल बड़ा वाजिब है ये अक्सर लोग पूछते हैं कि लेट दिता लेट नहीं दिता जो दो धिरों की गलबात हो रही है जिदन पहले दिन ऑर्डिनेंस आए ही बीबा जी ने विरोध किया किसान जथेबंदियां सरदार सुखबीर सिंह बादल में मिली जाके भी आ तीन मदा में ऐड करा दो एक MSP की गरंटी लिखती दे दो एक दो होर ऐड कर दो उन्होंने चल गए अशोक तंवर ने गलबात हुई प्रधानमंत्री ने गल वो विश्वास देंदे रहे कि अं करा अशोक तंवर ने लिखती भी सानू दे दिता लिखती बयान दिता जिदन भी अं बयान सारे दिते ट्वीट किए।